नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज को जो सेगमेंट होगा, आप सभी को पता है भी एनटीपीसी की डेट आ गई, यानी 28 दिसंबर से आप सभी के एनटीपीसी की एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी ने तो अभी 2018 में जो एनटीपीसी के एग्जाम, यानी जो ग्रुप डी का एग्जाम हो, तो आपने सभी ने देखा होगा उसमें कि जो क्या था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सारे धर्मों से लेकर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि रेलवे में इतिहास से लेकर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी को ध्यान में देखते हुए मैंने 150 नंबर की, 150 क्वेश्चन की एक सीरीज तैयार की है आप सभी के लिए। ये सीरीज आपको काफी हेल्पफुल करेगी, आप इससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको इस समय अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कलेक्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरा मैटर पढ़ सकते हैं, पूरा लेक्चर नहीं पढ़ सकते। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ना है जिससे आपको एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो इसलिए मैंने 150 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं, पूरे 150 क्वेश्चन, और उन 150 क्वेश्चन की सीरीज है। आप देखिएगा इससे जितने भी धार्मिक हैं, धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, आपके सारे पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, जितने महत्वपूर्ण जो आज तक पूछे गए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम स्थान पे हुआ था, जो कहाँ पे? नेपाल की तराई पर। नेपाल की तराई पर स्थित है, दरअसल ये बिहार, यूपी और नेपाल की तराई पर स्थित लुम्बिनी नामक ग्राम स्थान है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना जन्म लिया था। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम स्थान में हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मख्यपुत्र गोसाल है। कौन है? मख्यपुत्र गोसाल है। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। कौन सी? प्राकृत भाषा में दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जो महात्मा बुद्ध थे, बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध को जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे प्राप्त ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कहाँ पे? बोधगया में है। बोधगया में कहाँ पे? बोधगया में। यानी महात्मा बुद्ध को जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो कहाँ पे? बोधगया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। अभी आप सभी को लग रहा है ये तो हमें आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन की सीरीज है, ये भी सब पूछे गए। अभी आप जाइएगा आगे चल के देखिए कितने और टफ टफ क्वेश्चन आते, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है। और जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन से थे? पार्श्वनाथ। ये भी पूछ ले जैन धर्म के, ये पहले आखिरी और 23वें नंबर के कौन थे, ये जब पूछ लेंगे, ठीक है। तो 23वें नंबर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया था। तो जैन धर्म ने और बौद्ध धर्म क्या नहीं स्वीकार किया था? अवतारवाद। यानी अवतारवाद का मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने दोनों ने बताया कि कोई मनुष्य बार बार अवतार नहीं ले सकता, यह अवतारवाद वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ठीक है, यह नहीं माना। और जो अवतारवाद है, यह कौन से माना, किसने माना? तो इसने वैष्णव धर्म ने माना कि कोई मनुष्य बार बार अवतार लेता है, यानी बार बार जन्म लेता, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने यह स्वीकार नहीं किया कि कोई मनुष्य बार बार अवतार लेता है। इन्होंने बताया कि एक मनुष्य जो की मृत्यु हो गई, वो दोबारा जन्म नहीं ले सकता। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया अवतारवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक जैन धर्म अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था, ठीक है। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी थे, और इन्होंने आखिरी में अपने पुत्र अपना जो अपनी इनकी जो मृत्यु हुई थी, संलेखा विधि, इन्होंने संलेखा विधि से अपनी मृत्यु को स्वीकार किया था, ठीक है। संलेखा विधि से, ये भी कभी कभी पूछ लेते, चंद्रगुप्त कौन ऐसा मौर्य शासक था जिसने संलेखा विधि से मृत्यु स्वीकार की? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुम्नदेई किस घटना से संबंधित है? तो बुद्ध का जन्म, बुद्ध के जन्म से रुम्नदेई घटना संबंधित है। रुम्नदेई घटना किससे संबंधित है? तो बुद्ध के से संबंधित है, ठीक है। तो ये अब इसके आगे हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुप्त साहित्य कौन सा? सुप्त साहित्य
सुत साहित्य किस धर्म से संबंधित है? सुत साहित्य दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीत किसके समय हुई? अशोक के समय में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीत किसके समय हुई? अशोक के समय हुई। और कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निकाय, निकाय किससे संबंधित है? निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म, बुद्ध का मृत्यु स्थान, बुद्ध का मृत्यु स्थान है तो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में, यहीं पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, यहीं पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और कहाँ पे? प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो जैन धर्म के जितने अनुयायी होते हैं, जैन धर्म के लोगों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व, पूर्व किससे किसके धार्मिक ग्रंथ है? पूर्व जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, अंग किससे संबंध, किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो अंग भी जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र हैं, ये क्या है? राजगृह और वैशाली पाटलिपुत्र हैं जहां पर बौद्ध संगीत की सभाएं आयोजित हुई थी। क्या? बौद्ध संगीत की सभाएं आयोजित हुई थी। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन धर्म कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम जैन धर्म के संगीत कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम जैन धर्म संगीत सभा कह सकते हैं। ठीक है, संगीत सभा, प्रथम जैन धर्म संगीत सभा कहाँ आयोजित हुई, किया गया था? पाटलिपुत्र में। यानी कि आप देख रहे हैं, तीसरी बौद्ध संगीत जो हो रही पाटलिपुत्र में, और जो प्रथम जैन संगीत हो रही है कहाँ पे हो रही? पाटलिपुत्र में हो रही। ठीक है, तो ये हुए आपके 20 क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं, चलिए आगे देखते दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता जो प्रचार प्रसार में मदद करती, तो जो बौद्ध धर्म की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? लोक भाषा, लोक भाषा का प्रयोग। जो बौद्ध धर्म के प्रमुख विशेषता थी जो प्रचार प्रसार में मदद किया वो क्या था? लोक भाषा का प्रयोग। अब आपको ऑप्शन में क्या दे देंगे? नंबर एक अहिंसा, ठीक है, नंबर दो लोक भाषा का प्रयोग, तीसरा क्या दे देंगे? अष्टमार्गिक सिद्धांत, चौथा दे देंगे इनमें से कोई नहीं। अब आपको सही कथन बताना होगा, यानी कि बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता जो प्रचार प्रसार में मदद करती है कौन थे? लोक भाषा का प्रयोग। लेकिन लोक भाषा का प्रयोग करके ही इन लोगों ने अपने धर्म को काफी आगे तक बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या थे? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ थे। ठीक है, ये तीन थे, कौन कौन से थे? सुत्तपिटक, विनयपिटक और अधिधम्मपिटक। अधिधम्मपिटक, ठीक है, सुत्तपिटक, विनयपिटक और अधिधम्मपिटक, ये तीन प्रमुख ग्रंथ थे। और ये किस भाषा में लिखे थे? पाली भाषा में लिखे थे। ठीक है, पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख ग्रंथ कौन थे? सुत्तपिटक, विनयपिटक, अधिधम्मपिटक। किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। और ये किनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी कि सुत्तपिटक, विनयपिटक, अधिधम्मपिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे जो पाली भाषा में लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नए युग का सूत्रपात? चतुर्थ बौद्ध संगीत ये किस नए युग का सूत्रपात? महायान का उदय होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत से महायान का उदय होता है, और यहीं से हीनयान का उद्गम, हीनयान और महायान दो भागों में बढ़ जाते हैं। यानी कि जो बुद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीत से नए युग का सूत्रपात होता है, किसका? महायान का उदय होता है, और हीनयान और महायान में दो भागों में पहुंच जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडल, कश्मीर के कुंडल वन ग्राम में होता है, जो दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, कहां? कश्मीर कुंडल में, जो दो भागों में, हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसकी, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसकी उपस्थिति में? तो महाकश्यप की। महाकश्यप जो थे इसके अध्यक्ष बने थे प्रथम बौद्ध संगीत जो राजगृह में हुई। ठीक है, और इसी समय अजात शत्रु शासक था, यानी किस शासक के समय प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी? तो अजातशत्रु के समय, अगर क्वेश्चन आ गया। और अगर पूछा किसकी अध्यक्षता में हुई, तो महाकश्यप के अध्यक्षता में। ठीक, कहां पे? राजगृह में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु के समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ही जैन संत भद्रबाहु के समकालीन था। और अगर पूछ लिया जाए कौन जैन संत चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु बना, तो कौन थे? भद्रबाहु ही थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बने, और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में प्रवेश दिलाया। और इसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि, यानी संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने प्राणों को निछावर कर दिया। संलेखना विधि वो विधि होती है जिसके तहत मनुष्य खाना पानी सब बंद कर देता है, और जब तक उसके प्राण नहीं निकलते हैं तब तक वो कुछ कुछ भी नहीं खाता, यानी कि वो पूरी तरीके से खाना पानी सब कुछ त्याग देता है और प्राणों को अपने निछावर कर देता है। ये संलेखना विधि कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ व्रज सूची के रचयिता कौन थे? तो जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने व्रज सूची के ग्रंथ, व्रज सूची के रचयिता कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है, अश्वघोष थे जो जाति प्रथा की आलोचना करने वाले ग्रंथ व्रज सूची की रचयिता कौन थे? अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन है, आजीवक किसके पंथ थे? आजीवक जैन पंथ थे। ठीक है, आजीवक किसके पंथ थे? जैन पंथ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेल गोला क्या है? तो जैन तीर्थ क्षेत्र, श्रवण बेल गोला जैन तीर्थ क्षेत्र है। उसके बाद नयन यान, नयनार, नयनार कौन थे? शैव धर्म के, जो दक्षिण भारत में शैव धर्म के अनुयायी, उनको नयन यान, नयन नार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नयन नार कहा जाता है। दोस्तों ये हुए 30 टॉप 30 क्वेश्चन। आपको अगले लेक्चर में ऐसे ही और क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो 150 टोटल क्वेश्चन कराए हैं धार्मिक आंदोलन से। आई होप ये सीट आपको हेल्पफुल करेगी, पूरा आप एनडीपी से क्लियर करा देगी, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब किया बिना ना जाए।